Hello friends, I'm Vinod Yadav, welcome you all again on my YouTube channel VIL Chemistry. जैसे कि आप पहले से देखते आ रहे हैं कि मैंने आजकल 11th क्लास का जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वो स्टार्ट कर रखा है। उसके मैं 3 लेक्चर आपको पहले समझा चुका हूँ। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको समझाया था कोवलेंट आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और उसके बनने के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, और इसके अलावा आयनिक बॉन्ड की आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है जी, आज का लेक्चर भी बॉन्ड से रिलेटेड है और ये आपका जो होगा लेक्चर नंबर 4th होगा इस चैप्टर का, और जो आपकी हेडिंग रहेगी वो आपकी रहेगी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड। तो आज की मेन हेडिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1919 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आफ्टर वाचिंग सम ऑफ द कंपाउंड्स वेयर ही हैज शोन कि भाई जो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के दौरान जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स में वो शेयरिंग से बनता है। इससे पहले जब ने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड उसमें मैंने आपको बताया था कि अपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई थी। वहां पे एक एटम के इलेक्ट्रॉन निकले थे, उस एटम का कटायन बना था, दूसरे एटम ने वो इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लिए थे। ओके, यानी कैप्चर्ड, और उसका आयन बन गया था जिसके बाद उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई थी। उसके उलट ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे दो एटम के बीच में शेयरिंग होती है। मान लीजिए ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ना ए बी को देगा ना बी ए को देगा, मीन्स कोई एक्सचेंज नहीं होगा बल्कि इनमें शेयरिंग होगी। शेयरिंग के बाद क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस दोनों के माने जाएंगे और एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया। इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि अगर मैं डेफिनेशन इसकी लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं A bond which is formed by mutual sharing of electrons. A bond which is formed as a result of mutual sharing of electrons between two or more than two atoms is known as a covalent bond. Okay, जैसे मान लो इसकी अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल की बात करता हूं, आपको वही में भी सीखना है। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 10th क्लास के टॉपिक एक तरह से। अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपको दो आइटम दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन के H2 में दो एच है ना, तो H और H है आमने सामने लिखे आपने। दोनों H का जो इलेक्ट्रॉन कंफिगुरेशन होता है उसके हिसाब से दोनों H के पास वैलेंस में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप शो कर दीजिए, आपने सामने शो कर दीजिए। और देखो H का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो K शेल में है कंफिगुरेशन के हिसाब से, और K शेल में स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, सबको पता है बात। तो दो करने के चक्कर में ये दोनों हाइड्रोजन शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बोलेंगे भाई ये दोनों तेरे भी हैं और ये बोलेगा ये मेरे भी है। ओके, तो दो हो गए, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बनता है, उसे आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सिंपल एकदम, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, अगला एग्जाम्पल देखिए जरा, सेकेंड एग्जाम्पल। इस केस में मैं ले रहा हूं आपके लिए Cl2 को ले लेते हैं। किसको ले रहे हैं, क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल को Cl2। यहां दो Cl आइटम है, Cl। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, और उसके हिसाब से जो कन्फिगरेशन होती होती है 287। यानी दोनों क्लोरीन के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है, यानी और 7-7 कैसे, उसको 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो उसको आप ऐसे लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके 7 हो गए ऐसे, इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
अब शेयरिंग अगर हो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो देखो दोनों का आठ आठ पूरे हो चुके हैं। अगर आप गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि मैं पहले कहा था कि जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों में काउंट किए जाएंगे आपके। और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन एटम बीच में सिंगल बॉन्ड है। फिर हो गया, अगला जो मैं मॉलिक्यूल आपको समझाने वाला हूँ उसमें हम ले लेते हैं आपके लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। किस मॉलिक्यूल को? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैं ले रहा हूँ। अब देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ही ऑक्सीजन एटम्स हैं, ओ ओ आमने सामने लिख दिया आपने। एक ओ का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और शेल में कंफिगरेशन होती है 2.6 KL। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में कितने चाहिए? 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए। उस 8 को अटेन करने के लिए दोनों ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन के बीच में। देखो कैसे लिखेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर यहां पे शेयरिंग कराते देखे तो मान लो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक इसका और एक इसका, अब गिनिए जरा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सात ही हुए, ऐसे इसके भी सात हुए होंगे 1 2 3 4 5 5। अब इसका शेयरिंग नहीं आते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो सात सात हुए, इसका मतलब एक बार वो शेयरिंग होगी। अब 8 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इससे क्या सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दो बार शेयरिंग हो रही है, तो उसका वैसे शो कर सकते हैं। लोन पेपर दिखा दीजिए, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शोइंग मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्ड। और एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देख लीजिए। अब दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, एन एन। अब एक एन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 7 के हिसाब से अगर कन्वर्जन करते हैं तो वो आती है 2 और 5, यानी कि दोनों नाइट्रोजन के पास 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयरिंग में जो काम आ सकते हैं। और इनको भी चाहिए 8-8 क्योंकि इसका वैलेंस शेल एल ही है, के एल, एल में 8 चाहिए होते हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग का यूज करते हुए आपने नाइट्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखना है। मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 2 3, यहां लिखता हूं 1 2 3, 1 2 1 2 3, ठीक है जी। अब शेयरिंग कराते हैं इनकी जरा एक बड़ी, देखिए पहले एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराए हमने, मान लीजिए वह इसकी शेयरिंग आते ऊपर वाले की, शेयरिंग के बाद इसको आप गिन लीजिए जरा एक बड़ी, ठीक है 1 2 3 4 5 6 ही में एक बार और शेयरिंग होगी, उसे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सिर्फ 7 हो गए 1 2 3 4 5 6 7, एक शेयरिंग और होगी उसे इसके 8 पूरे हो जाएंगे नाइट्रोजन एटम। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, आप दोनों का 8-8 पूरे हो गए। इससे क्या शो होता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रोजन एटम्स हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है। कैसी बॉन्डिंग हो रही है? ट्रिपल बॉन्डिंग। उसको मैं ऐसे शो करता हूं मैं आपके इस टाइप से, और एक तरीके से आपने देखा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इन एग्जांपल्स को लेने का एक और मकसद था, इसमें इन एग्जांपल्स की मदद से मैंने आपको इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक और बता दिया। वो टॉपिक की हेडिंग है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या हेडिंग थी वो? टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी खत्म हो गई। कैसे? देखिए कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल में आप ये दो दे सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे दिया, क्लोरीन मॉलिक्यूल दे दिया। क्यों? क्योंकि
क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जुड़ने वाले एटम्स हैं उनमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों एटम्स का, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, सेकेंड टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जो जुड़ने वाले एटम्स हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज वाज द एग्जांपल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब वही है कि जुड़ने वाले एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि देखिए कोवेलेंट बॉन्ड एक टाइप के और भी होते हैं, एक कहलाते सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, एक कहलाते कोवेलेंट ये पाई कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो जब आगे और आएंगे टॉपिक्स उसमें आपको क्लियर करूंगा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड और पाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। फिलहाल आप इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड जो कंपाउंड बनाते हैं वो होते हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। पहली जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो इट इज स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, नेचर में किस फॉर्म में आपको मिलेंगे, फिजिकल फॉर्म में। तो देखिए ये जो कंपाउंड्स है तीनों तरह में मिलेंगे आपको, ये सॉलिड भी मिलेंगे कुछ आपको लिक्विड मिलेंगे और ज्यादातर वो गैसेस ही हैं, ठीक है। मैं कुछ इनके एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सॉलिड का एग्जांपल जैसे एकदम घर पे ही है सुक्रोज चीनी, जैसे कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज यूरिया, ये इसके सॉलिड फॉर्म्स है कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स के, ठीक है। लिक्विड के केस में आप ले सकते हैं कोई इथर आप ले सकते हैं, इथेनॉल आप ले सकते हैं और ब्रोमीन वाटर को आप यूज कर सकते हैं Br2 एक्वस, ठीक है। और इथेनॉइक एसिड आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, ये सब इसकी लिक्विड फॉर्म्स है। क्या फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म्स है। और जो गैसेस फॉर्म में मैंने कुछ एग्जांपल किए थे जैसे हाइड्रोजन गैस है, O2 भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, CO2 भी गैस है, और यहाँ पानी भी आप ले सकते हैं, वाटर भी कोवेलेंट कंपाउंड ही है लिक्विड में। तो ओवरऑल क्या है इसमें डिटेल को क्या देनी होती है आपको एग्जाम्पल थोड़े ध्यान होने चाहिए, ठीक है जी। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है उनको मिटाना पड़ेगा मेरे को, जो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करता हूं मैं, ये कि कोवेलेंट है एज कंपेयर टू दैट आयनिक, और आयनिक का मैंने बताया था कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रदरफोर्ड का बॉइलिंग हाई होता है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट अगर सॉलिड है और बाद में का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड बनने के बाद वो लो होता है एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। तीसरा आप लिख सकते हैं कि रेशियो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, कैसे रिएक्शन शो करते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। इसके अलावा आप लिख सकते हैं लास्ट कि दे आर इनसॉल्युबल इन यू कैन से पोलर सॉल्वेंट्स, पर कुछ एग्जाम्पल देखे गए हैं जहां पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं पानी में सोल्यूबल होते हैं जैसे अल्कोहल है इस टाइप के, ठीक है। बट दे आर मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सो
solvents like benzene. ठीक है जी. अच्छा ये जो फोर्थ जो मैंने लिखवाई है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे एक एक्सेप्शन तो है, और एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट. एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है जी. ओके, और बाकी तो सब ठीक है. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है. तो छोटा सा एक लेक्चर था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा. अगर ध्यान से सुना होगा, बाद में फिर आप बुक पढ़ेंगे तो सब बातें बिल्कुल क्लियर था, आपको समझ में आ जाएंगी. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.